कहा डॉक्टर साहब ने? अब कैसी है तबीयत भाई साहब की? वैसे तो नंदू मुझसे कम ही बोलता है, और उसकी ये चुपकी थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुसुम तो रंगे हाथों पकड़ी गई होगी अब तक, ना जाने उसकी बारात कैसे नहीं आई उल्टे पांव। कुसुम कैसी है? ठीक है, अपने कमरे में है। अपने नहीं, तैनी के कमरे में आपकी लाडली। पर ये गुमान जी के मुझसे सुनने में ज्यादा मजा आएगा आपको। काका, सॉरी अंकल, वो बांधो नहीं बेटा, तुम भी मुझे काका बुला सकते हो। मिस्टर धनराज जी ने जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट किया उसकी डिलीवरी हमें नए क्लाइंट को देनी है अभी। अभी? पर क्यों? क्योंकि वो आपका चेक लेके रेडी है। बेटा, ऐसे मुश्किल समय में एक तू ही है जो दिलासा दे रहा है हमें। लंबी सांस ले लो सब, पल दो पल में फिर रुकने ही वाली है। अभी कारखाने चलकर ट्रक लोड कर लेते। गुमान जी, मेरी बात तो सुनिए। आ गई कुसुम की बारात, सासरे से फिर माइके। विद्या चतुर्दशाई, ये रही आपकी संस्कारी बेटी, रखिए अपने पास। ये सब क्या है गुमान जी? मेरे सवालों का जवाब जो आपकी बेटी ने खुद ही मुझे दे दिया। मुझे बताया जा रहा था कि किस हद तक गिर गई हूं मैं, पर तुम्हारी बेटियों की तो कोई हद ही नहीं है दुर्गा। मैं अपना बड़कपन भूल गई थी, पर तुम तो इतनी छोटी निकली कि ऐसे काम में भी अपनी बहन का साथ दे रही थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, पर बोलना पड़ेगा। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ एक ही कमरे में रंगे हाथ पकड़ी गई है। पूछो डैनी के साथ गले मिलकर कौन सी दोस्ती निभा रही थी। डैनी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी ये? पहले मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि इसीलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें लाकर महके छोड़ दिया होगा। पराए मर्दों से जी बहलाने वाली लड़की को कौन अपने घर में बीवी बना के रखेगा? मॉम, मॉम, आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। जानते तो तुम नहीं हो डैनी के किन लोगों के बीच में फंस गए हो। इस घर की हर लड़की अमीर घर के लड़के के साथ शादी करने के सपने देखती है, पर हर किसी की बात नहीं बनती। फिर वो छोटी कमाई के पति के साथ नाम तो जोड़ लेती है, पर दिल तुम जैसे अमीर लड़कों के साथ ही लगाती है। माई के खिलाफ नहीं, एक शब्द नहीं।
देखा, मेरा और सरस्वती का बेटा आज भी हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। ये है हमारे संस्कार। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? और रही बात कुसुम की, तो हमें लगा अपने पति के लिए परेशान हो तुम, इसलिए तुम्हारा गुस्सा भी सह रहे थे हम। लेकिन ऐसी बेइज्जती नहीं सह पाएंगे हम। और याद रखना कुमार, हमारी बेटियां गर्व है हमारा। किस बात का गर्व है इन पर कि एक ने अपने पति को छोड़ के सरस से शादी कर ली और दूसरी ने शादीशुदा होके डैनी को फंसा लिया। इज्जत ही क्या रह गई आप लोगों की जो बेइज्जती करेंगे। आप तो वो लोग हो जो मां के लिए बेटे का ईमान बिगाड़ते। मेरे बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला था उससे, पर आज बोला है, क्योंकि तुम्हारी छाया पड़ गई है उस पे। झूठे धोखेबाज लोगों की छाया। बस बड़े बार वाल के खिलाफ और कुछ नहीं कहेंगी आप। बहुत बोल लिया आपने, अब यहां से जा सकती हैं। अगर मेरे बेटे का सवाल नहीं होता तो इस घर में पांव तक नहीं रखती मैं, पर बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगी मैं आज। इस रिश्ते से मेरे बेटे की बाहों में टिकी हुई थी आपकी बेटी।